नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल। मैं हूं आपके साथ महेश जैन। देखा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में सियासत को लेकर जो हलचल मची थी उसमें कई तरह के कयास आ रहे थे सोशल मीडिया पर। लगातार चल रही थी कि कांग्रेस के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो पार्टी छोड़ सकते हैं, पार्टी से इस्तीफा देंगे, साथ ही साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पर चल रही थी, कई अफवाहें निकल कर आ रही थी, ये सब अफवाहें हैं। लेकिन इसको लेकर आखिरकार जो बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है इनके नेतृत्व में बैठक के बाद देखा गया कि सिंधिया जो ज्योतिरादित्य उन्होंने आखिरकार आज बीजेपी कार्यालय पहुंचकर जेपी नड्डा से सदस्यता ग्रहण करी। साथ ही साथ इसके बाद देखा गया कि जो सियासत को लेकर जो हलचल मची हुई थी उसमें पूरे के पूरे रिजल्ट्स सामने कांच की तरह दिख रहे हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में कमलनाथ की जो सरकार है वो कमल मुरझाता हुआ दिखाई दे रहा है और आने वाले दिनों में बीजेपी का कमल मध्य प्रदेश में खिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। साथ ही इसमें एक नया रोमांचक मोड़ दिखाई दे रहा है कि जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करी, इधर सोशल मीडिया पर उनके जो समर्थक हैं उन्होंने भी पार्टी छोड़ने की बात कही है। इस वक्त हमारे साथ में सिंधिया फ्रेंड्स क्लब के जो अध्यक्ष हैं समीप जी चौधरी हमारे साथ हैं, जो लगातार अपने पिताजी के समय से लगभग 15 से 20 सालों से कांग्रेस से जुड़े हुए और सिंधिया के लगभग कट्टर समर्थक माने जाते हैं। सिंधिया जब भी आते तो हर प्रोग्राम में आगे दिखाई देते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में समीप जी आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बताइए, सियासत को लेकर जो हलचल मची हुई थी, देखा जा रहा था कि कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया है उनके साथ पार्टी ने उपेक्षा करी है, पार्टी ने उनके साथ बहुत ही गलत करा है, इसको लेकर के कयास लगाए जा रहे थे। आज जो परिणाम निकल के आए हैं इसके बाद क्या कहेंगे, क्या वाकई में उनका जो फैसला है, आप भी उनसे काफी समय से जुड़े हैं और पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता माने जाते हैं, तो अब आप ही की पार्टी के लोग उन पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, गद्दार बता रहे हैं, कई तरह की सोशल मीडिया पर टिप्पणी देखी जा रही, क्या सोचते हैं आप और क्या कहना है आपका? मैं उन सब कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं, जैसे कि हमारे जीतू भाई पटवारी जी भी कहते हैं कि वो गद्दार हैं, जब वो कांग्रेस में थे जब वो कहां गए थे, ये सवाल जब उन्होंने क्यों नहीं करा? और जिस चेहरे को देखकर सिंधिया जी के चेहरे से जो कांग्रेस की सरकार बनी है मध्य प्रदेश में, उसके बाद उनका लगातार शोषण हो रहा था, जब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाना जाना था, जब मध्य प्रदेश के अंदर सीएम बनाना था, इन सब लोगों ने मिलकर, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी ने मिलकर इनका शोषण किया है। और मैं तो महाराज के साथ हूँ, सदैव साथ रहूँगा। महाराज ने जो फैसला लिया है उसके साथ पूरा सिंधिया खेमा उनके साथ है और उनके साथ रहेगा। मुझे बताइए, आज महाराज की जो प्रेस वार्ता थी उनकी, वहाँ पर एक बहुत बड़ा बयान महाराज ने कांग्रेस को लेकर दिया है, मतलब कांग्रेस के 1.5 साल के कार्यकाल की पोल खोलकर महाराज ने, मतलब कांग्रेस के कद्दावर नेता उन्होंने खोलकर रख दी। किस तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार बीजेपी आरोप लगाती आ रही थी, डंपर का कारोबार चल रहा है, ट्रांसफर उद्योग चल रहा है, कई तरह के जो आरोप हैं वो निकल रहे हैं, लेकिन आज महाराज ने खुद अपनी पार्टी जिस पार्टी में रहे हैं वहां उन्होंने मोर्चा खोला है। चूंकि आप भी नीमच में रहे हैं, तो क्या इस तरह के हालात, वाकई में कार्यकर्ता इतना परेशान हो चुका था? आम कार्यकर्ता परेशान था, और जिन लोगों ने दुकान चला रखी थी वो सब आपको पता है, चाहे डंपर कारोबार हो, चाहे ट्रांसफर उद्योग हो, चाहे माफियाओं को बचाने का काम हो, ये सब वो लोग दुकान लगा के बैठे थे जो कमलनाथ जी के नाम से और दिग्विजय सिंह के नाम से कमा के खा रहे थे, और आए दिन केस भी बनवा रहे थे, लोगों पे झूठे आरोप लगवा रहे थे। NDPS के केस बहुत जनों के बनाए गए हैं, उनके फैसले 30-30 लाख 50-50 लाख में तोड़ हुए, और उसमें ये सब बड़े नेता शामिल है कांग्रेस के नीमच के। तो आपकी भी लगातार लोगों से चर्चाएं होती हैं कांग्रेस को लेकर, देखा जा रहा है कि लोग जो कार्यकाल को लेकर, क्या आम जनता भी परेशान हो चुकी है या सिर्फ पार्टी का कार्यकर्ता परेशान है? आम जनता भी परेशान है, किसान खुद परेशान है, और व्यापारी वर्ग बहुत परेशान हो चुका था। व्यापारी वर्ग पहले खुश था कि कांग्रेस आ चुकी है, 15 साल में हम खुश है, पर जो व्यापारियों के साथ अन्याय हो रहा था अभी, उससे व्यापारी वर्ग पूरा नाराज हो चुका था। जहां देखा जा रहा है कि विधायकों के इस्तीफे भी है, 22 विधायक से भी ज्यादा लोग इस्तीफे दे रहे हैं इसको लेकर, अब नया मैं जानना चाहूंगा, क्या आम जो कार्यकर्ता हैं क्या वो भी कांग्रेस से सिंधिया के जो समर्थक हैं, मतलब नीमच में भी माना जाता है, पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ नीमच जो है यहां पर भी काफी ज्यादा सिंधिया जी के समर्थक, एक आइकॉन माना जाता था कांग्रेस पार्टी के? महाराज तो हमेशा आइकॉन रहेंगे, आज भी है, कल भी थे, कल भी रहेंगे। और जो महाराज समर्थक है और जो सिंधिया के फैन, ओनली बीजेपी के अंदर भी है, कांग्रेस के अंदर ही नहीं, पूरे बीजेपी के अंदर भी। जैसे ही महाराज का निर्णय हुआ उसके बाद मेरे पास इतने फ़ोन आए होंगे बीजेपी के लोगों के कि बोले आपके महाराज आ रहे हैं, आप क्या करेंगे? मैंने साहब मैं महाराज के साथ हूँ, कि हमें बहुत खुशी हुई कि महाराज ने ये कदम उठाया। मैंने कहा महाराज के साथ पूरा सिंधिया खेमा ही नहीं, पूरी जनता खड़ी है, मध्य प्रदेश की आधी से ज़्यादा जनता मध्य प्रदेश की महाराज के साथ खड़ी है, और महाराज के साथ जितने भी पदाधिकारी थे उन्होंने सबने अपने अपने इस्तीफे दे चुके हैं, और कल जो महाराज राज्यसभा का फार्म भरने के लिए भोपाल आ रहे हैं उसमें पूरा सिंधिया खेमा, पूरा बीजेपी भी उनके साथ रहेगी और सब जन उनका सम्मान करेंगे। क्या सारे कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं, क्या स्थिति है? देखो जहां महाराज
का जो फैसला लिया गया है उसी महाराज के फैसले पे हम सब अटल है। नहीं, महाराज ने तो चुकी बीजेपी ज्वाइन कर ली है, महाराज का तो खुलासा भी हो चुका, प्रेस वार्ता भी कर ली उन्होंने, और कहीं ना कहीं मोदी जी की जो सोच है उसको काफी अच्छा बताया और बोला मोदी जी को मतलब दूसरी बार सरकार बनना, मतलब मोदी की तारीफ करी है। तो क्या लगता है आपको, काफी सिंधिया फ्रेंड्स क्लब से जुड़े हुए हैं यहाँ पर, लगातार सक्रिय है, तो क्या आप लोग भी अब सोशल मीडिया पर जो पोस्टें कर रहे हैं कम महाराज से समर्थक है, तो लगभग कहीं ना कहीं सिंधिया जी से पार्टी से उपेक्षा थी, तो कार्यकर्ता भी तो आम परेशान था। नहीं, हम महाराज के साथ हैं और सदैव महाराज के साथ ही रहेंगे। तो क्या पार्टी की सदस्यता को लेकर सवाल है मेरा, क्या सदस्यता लेंगे आप लोग या फिर सिर्फ पार्टी छोड़ देंगे, क्या रहेगा? जैसा महाराज का निर्णय होगा उनके साथ रहेंगे हम। नहीं तो महाराज ने तो छोड़ चुकी है ना, समझिए, खुलकर बोलिए ना, आप नहीं छोड़ेंगे या छोड़ेंगे, या फिर कई विधायक ऐसे भी देखे जा रहे हैं जिसे भी सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही है, न्यूज चैनल में भी आ रहा है, कई विधायक का यह कहना है कि महाराज पार्टी छोड़ी कोई दिक्कत नहीं, अपनी खुद की पार्टी बनाए, वो बीजेपी में शामिल ना हो, बीजेपी की विचारधारा से विधायक ना खुश है, इस तरह की भी सोशल मीडिया पर खबरें निकल कर आ रही है। देखो, मैं महाराज के साथ हूँ, मतलब जहाँ महाराज है वहां मैं हूँ, उसी में आप समझ जाइए। तो समुंदर जी पटेल ने भी सोशल मीडिया पर करी है, मनासा में विजेंद्र मालाड़े का भी लगभग उनका पहले ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिस प्रकार से निकलकर सामने आ रही है। तो हमारा जो सवाल सिर्फ इतना है कि महाराज तो चूंकि बीजेपी के हो चुके हैं, नहीं रहे वो कांग्रेस के, तो हम भी महाराज के साथ ही है ना, तो आप भी सीधे तौर पे बीजेपी के हो चुके हैं क्या? हाँ, तो वो तो लगी रहा ना आपको, आप ही को पता चल रहा ना, वो तो कुल मिला के कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है, ये कह सकते हैं झटका लग चुका है, जोर का झटका धीरे से लगे लग चुका है, अभी तो सिंधिया जी का झटका लगा है, अभी आने वाले समय में उनको और बड़े बड़े झटके मिलने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा, मुझे एक चीज बताइए, कल जो रैली है वहां पर भोपाल में, उसको लेकर क्या उम्मीद है नीमच से? अपन मध्य प्रदेश के नीमच की बात करें, नीमच भी सिंधिया का बड़ा समर्थक गुट माना जाता है यहाँ पर, तो क्या उम्मीद है, कितनी तादाद में लोगों को जाने का बताया जा रहा है? नीमच से महाराज के समर्थक सब अपने अपने वाहनों से, बसों से, ट्रेनों से सब वहां जा रहे हैं, और हजारों की तादाद में कल आपको भोपाल के अंदर महाराज की राज्यसभा में जो नामांकन भरना है उसके अंदर पब्लिक दिखेगी आपको, उसी से आपको लग जाएगा कि कौन साथ है कौन साथ नहीं है, आपको वहीं मतम पड़ जाएगा। जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से जो सिंधिया समर्थक हैं वो पूरी तरीके से कहना नहीं चाहते, लेकिन कुल मिला के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी की सदस्यता ली है तो वो उनके साथ हैं, लेकिन इनडायरेक्टली इनका इशारा जो है वो बीजेपी की तरफ भी जा रहा है, महाराज के हर फैसले में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर रहने को तैयार है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी जावद के समुंदर पटेल, मनासा के विजय सिंह मालाड़ा की तरीके की सोशल मीडिया पर चर्चा आ रही है, हर छोटा से छोटा कार्यकर्ता यही कह रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के हर फैसले में उनके कदम से कदम मिलाकर तैयार है रहने को। और साथ ही साथ कल जो भोपाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो आ रहे हैं उनकी रैली में शामिल होने के लिए बड़ी तादाद में सिंधिया समर्थक भोपाल की ओर अपना कुछ करेंगे, जिसमें सिंधिया प्रेस क्लब जो सिंधिया जो संगठन है यहां पर उसके जो अध्यक्ष हैं समीप जी चौधरी, वो भी इस बड़ा खेमा लेकर यहां से एक बड़े गुट के साथ भोपाल में शामिल होकर देखना यह होगा कि क्या ये जो समर्थक हैं ये बीजेपी की सदस्यता लेते हैं या फिर क्या नतीजे निकलकर सामने आते हैं। प्रदेश हलचल के लिए मेरे सहयोगी एस एस कचावा के साथ में महेश जैन। We'll be right back.